हे कालों के भी काल, हे सावन के राजा, हे मेरे महादेव, अपने भक्तों को कभी निराश ना करना। जो भी आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लायक करें, उसकी निर्धनता गरीबी दूर कर देना हर हर महादेव लायक जरूर करें। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना, ये गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धन के राजा। घर में यश कीर्ति वैभव रुपया पैसा धन बरसेगा। युगों युगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करेगी, काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जब साथ हो महादेव का, साक्षात महादेव के गण आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। दोस्तों, आज 22 जुलाई 2024 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। शिव के आने का आगाज ब्रह्मांड के कण कण में हो चुका है। आपको बता दें, सावन का समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर हृदय की भावना को पूरा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप ये देखेंगे, जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ का विभिन्न विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिव जी को मीठा भोग लगाते हैं, मीठी मीठी बर्फी का भोग लगाते हैं, खोए मावा का भोग लगाते हैं तथा कावड़ यात्रा आरंभ करते हैं, ताकि भोले बाबा का उनको आशीर्वाद मिल सके। और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अपना विशेष और खास महत्व होता है। सावन सोमवार प्रकृति का वह मिलन है, जब जब सावन सोमवार का व्रत आता है तब तब पेड़ पौधों में हरियाली तेजी से बढ़ती है, क्योंकि उस दिन साक्षात शिव गण धरती पर पधारते हैं। अब जाहिर सी बात है, सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसी बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन उठा करके लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, ये शिव पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नम शिवाय। किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आप कांच की शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप क्या करें, आप एक शीशी में काली मिर्च भरे, अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में फ्री में मिल जाता है, बस बोतल के पैसे देना पड़ते हैं, जो कि बोतल 10 रुपए की मिलती है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप पानी पूरा डाल दें, ये जो शीशी लेकर के आए हैं आप लोग, काली मिर्च की इसको शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के पूजा घर पर ला करके स्थापित कर दीजिए, अपने पूजा घर में रख दीजिए। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए भोलेनाथ के मंदिर जाइए, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप पानी पूरा डाल दें, ये जो शीशी लेकर के आए हैं आप लोग, काली मिर्च की इसको शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के पूजा घर पर ला करके स्थापित कर दीजिए, अपने पूजा घर में रख दीजिए।
अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए नौकरी से संबंधित घर से बाहर निकलेंगे तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठाइएगा, अपनी जेब में रख दीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाएगा। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी, वो बाधाओं को ये काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसको अंधविश्वास मत समझिएगा, ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। ये उपाय साक्षात प्रमाण है आपकी कामयाबी का। शास्त्रों में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता, 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है।